There is no animal harmed in this puzzle. Okay, this is just a puzzle. Even though we are making them die after 1 hour, but that doesn't mean that we have harmed any animal. I don't know, that was a lame joke, I know that, but let's get back to the question. Today I'm here with a question in front of you. So one of the students shared me this question from our batch, like ACIPM student shared me this as a doubt. So I decided to make a video on it because it has a very great, like a great thought process. Okay, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करके देखना. अगर आप अटेम्प्ट करके देखोगे तभी पता चलेगा दी टफनेस और दी दी इजीनेस एट द सेम टाइम, दी पैरेलल, दैट डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस. ओके, एंड वी हैव सीन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन IPMAT 2021 एज वेल. आई हैव गिवन यू अ ग्रेट हिंट एज वेल. सो ट्राई दिस क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर ग्रेट, इफ यू आर नॉट यू विल बी लर्निंग ग्रेट थिंग्स बाई द एंड, टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, सो द क्वेश्चन गोज लाइक, पॉज द वीडियो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, एंड देर आर 100 बॉटल्स ऑफ अ ड्रिंक आउट ऑफ विच ओनली वन बॉटल इज पॉइजन. एनी वन हु टेस्ट द ड्रिंक फ्रॉम पॉइजन बॉटल वुड डाई इन 1 आवर. However, there is no harm if the drink from other bottle is tasted. A test is to be conducted using the rats to identify the poisoned bottle. What is the minimum number of rats? The minimum number of rats needed if the poisoned bottle is to be identified in exactly 1 hour time. Assume that the time taken by the rats to drink the contents of the bottle is negligible and the rats can drink the contents of as many as bottle as we make them to drink. So I hope you tried or made that effort that I demanded from you. Now the problem with this whole puzzle is that they want the poisoned bottle in exactly 1 hour. Or else if there was no time limit, what else I could have done? मैं एक rat को poison पहले एक bottle से पिलाता, फिर 1 घंटे बाद अगर वो मरता जीता मुझे पता चल जाता, अगर वो जिंदा है तो मैं दूसरी bottle से पिला देता, फिर अगला घंटा, फिर अगला घंटा, और ऐसे 100 hours में तो मैं सारी bottle sample कर लेता और सिर्फ एक ही rat से मेरा आंसर आ जाता. तो सबसे बड़ा बैरियर है कि मुझे एग्जैक्टली 1 hour में बताना है. सेकेंड बैरियर टू दिस क्वेश्चन इज कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स है. अगर नॉर्मल नंबर ऑफ, अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रैट्स चाहिए, अब ऐसे तो मैं 100 रैट्स को लेके आता और 100 रैट्स को एक 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 मतलब हर रैट के लिए करेस्पॉन्डिंग बॉटल से उसे टेस्ट करवाता और हमें पता चल जाता कि कौन सा पॉइजन है. ठीक है, तो एंड डोंट इवन थिंक ऑफ अ वे दैट कि सर नहीं सर पॉइजन वाला बॉटल अलग से दिख जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. अनदर नोट, देर इज नो नो एनिमल हार्म्ड इन दिस पजल. ओके, दिस इज जस्ट अ पजल. इवन दो वी आर मेकिंग देम डाई आफ्टर 1 आवर, बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव हार्म्ड एनी एनिमल. I don't know, that was a lame joke, I know that, but let's get back to the question. So how you will think, that's what will develop that logical attribute that is required for examination like an IPMAT Indore as well. So what I thought to approach to this problem was that I always have to divide things in as much as possible. मतलब अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ तो क्यों ना मैं डिविजन कर लूँ, क्योंकि हमारे पास एक लिबर्टी है कि हम रैट को कितना भी चाहे मतलब कितनी भी बॉटल से टेस्ट करवा सकते हैं. तो हम 100 की 100 बॉटल भी उसे टेस्ट करवा सकते थे सिर्फ एक रैट को ही, तो ये काफ़ी अच्छा है. अभी भी आपको अगर क्लू मिला हो तो आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर. नाउ लेट्स गेट इनसाइड टू द प्रोसेस. तो हमारे पास टोटल 100 बॉटल्स है. अब मेरे पास टोटल 100 बॉटल्स है एंड मुझे विजिबल है, ऐसा नहीं होगा कि मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है. तो मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं. आई कीप 50 बॉटल्स वन साइड एंड 50 बॉटल्स अनदर साइड. सो ये 50 बॉटल्स एक साइड रख दी, ये 50 बॉटल्स एक साइड रख दी है. मैं यहां पर अब आपको मैंने क्या किया है कि फिर इन 50 बॉटल्स में से 25 25 के दो मतलब उन्हीं 50 में से वहां मतलब एक टेबल पे मैंने 50 रख दिया, एक टेबल पे मैंने 50 रख दिया. अब उसी टेबल पे मैंने ऐसा 25 का एक ग्रुप बनाया और एक 25 का मतलब यही 50 को दो में डिवाइड कर दिया था. फिर इस 25 को दो में, सर दो से डिविजिबल नहीं, आप 12 12.5 12.5 बॉटल से इसलिए 13 12 में डिवाइड करना पड़ा, 13 12 में डिवाइड किया. तो आई होप पहले तो आपको समझ आ गया कि मैंने क्या किया है. मैंने हर एक को और यहां पर भी मैंने प्रोसेस वो रिपीट की है, मैंने 2 2 में डिवाइड कर दिया है दो बॉटल्स को. ओके, और यहां पे 3 को 2 1 में. ओके, नाउ आई नो वॉट एवर आई जस्ट मेंशन मस्ट हैव बीन लाइक अ बाउंसर टू यू ऑल, बट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो वॉट आई डू हियर, आई इंट्रोड्यूस रैट वन एट स्टेप. मतलब मैं यहां पर क्या करता हूं कि रैट वन को सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल्ड वाला पिला देता हूं. लेट से मैंने रैट वन को ये सर्कल्ड वाला पिला दिया और उसी टाइम पर
मतलब सिंस मैं कितने भी रैट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ना, तो मैंने इस स्टेप पर रैट वन को सर्कल्ड वाले 50 बॉटल से पॉइजन पिला दिया, फिर रैट टू इंट्रोड्यूस करता हूँ और रैट टू को मैं ये 25, ध्यान दीजिएगा ठीक है, मैं सर्कल वाला रैट टू को ये 25 और कोई 25 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट ये सर्कल वाला, ये भी रैट टू को पिला देता हूँ। अब देखना, मैंने इस स्टेप पर रैट टू को पिलाया है, इस स्टेप पर रैट वन को, ठीक है, और मेरे को पता है कि ये रैट, ये 50 इसने पिया है, ये 25 इसने पिया है, दोनों 25 इस रैट टू ने पिया है, ये रैट टू सेम रैट है। मैं थर्ड स्टेप पे आता हूं और हर सब ग्रुप में से, इस 50 के एक सब ग्रुप था तो मैंने रैट को पिला दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला पिला दिया, तो फिर से ये जो सर्कल वाला है ये रैट थ्री को पिला दिया और ये वाला छोड़ दिया। इस रैट थ्री को सेम ही रैट है, सेम रैट है, मैं ये 13 पिला रहा हूं, फिर रैट थ्री को ये 13, फिर रैट थ्री को ये 13 और ये छोड़ रहा हूं, सिर्फ सर्कल वाले पिला रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, आप ये 12 भी पिला सकते थे, बट कोई एक सब ग्रुप से आपको पिलाना है। आप रैट फोर यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, रैट थ्री इंट्रोड्यूस हो चुका है, रैट टू इंट्रोड्यूस हो चुका है, रैट थ्री इंट्रोड्यूस हो चुका है, रैट फोर एट दी फोर्थ स्टेप, व्हेन आई एम डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, तो मैंने रैट फोर को 7 पिला दिया, 6 छोड़ दिया, ये 6 पिला दिया, सर्कल वाला पिला दिया, मतलब ये वाला पिला दिया, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया, ओके, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया, ये पिला दिया, मतलब सर्कल वाला पिला दिया, स्क्वायर वाला छोड़ दिया, ये सर्कल वाले मैंने उसको पिला दिए हैं। किसको? रैट फोर को, सर्कल वाले हर सब ग्रुप में से मैंने ये 7 बॉटल्स उसको टेस्ट करा दी, ये 6 बॉटल इसको टेस्ट करा दी, ये 7 टेस्ट करवा दिया, ये 6 टेस्ट करवा दिया, ये टेस्ट करवा दिया। अब देखते जाइए एंड में क्या होगा, और ये सब मैं एक साथ कर रहा हूं। मैंने यहां पर भी एक रैट 5 इंट्रोड्यूस किया और यहां पे जितने भी, आई गेस ये रैट 5 दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। अब इसके बाद मैंने, आई गेस डायग्राम पहले ही बहुत गंदा बन चुका है, बट हाँ, अब मैंने फिर से यहां पे रैट 5 इंट्रोड्यूस किया और उनको ये सर्कल वाले पिला दिए, जितने भी सर्कल है, सर्कल सर्कल देखो, जैसे ये इसके बाद सब ग्रुप जो बनाया है, मैंने यहाँ पे ऐसे सब ग्रुप दिखा रहा हूँ, 3-4, 3-3 का, 3-3 का, तो जितने भी ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले 3-3-3 मार्क्ड है मेरे पास कि अच्छा ये वाला है, मैंने राइट 5 को पिला दिया, तो ये स्क्वायर वाले सारे लेफ्ट आउट रह गए। अब तो देखते जाइए, अब मैंने बनाया नहीं है बट इसमें से भी हर सब ग्रुप होगा, तो जैसे ये 4 है, ओके, तो इस 4 में, तो लेट्स से मैं एक सब ग्रुप बना रहा हूं बट वैसा हर एक सब ग्रुप के साथ हो जाएगा, तो लेट्स से एक 4 है और एक 3 है, ठीक है, और लेट्स से ये 3 स्क्वायर वाला है, ओके, और ये सर्कल वाला है, तो इससे 2 आएंगे, एक सर्कल में डाल देता हूं और एक स्क्वायर में, ताकि आपको समझ आ जाए डिफरेंस, और इससे 2 आएंगे और एक ये, ठीक है। अब ऐसा हर एक सब ग्रुप में हो जाएगा, तो मैं रैट 6 इंट्रोड्यूस करता हूं यहां पर। अब देखते जाइए मैं क्यों कर रहा हूं, बहुत अच्छा लर्निंग अगर आप कैच कर पाते हैं। मैंने रैट 6 इंट्रोड्यूस किया और उसको ये सर्कल वाला ये छोड़ दिया, ये सर्कल वाला पिला दिया, फिर इसके भी सब ग्रुप बन सकते हैं। अब तो 1-1-1-1 ठीक है, और ये 1 तो ऐसे ही रहने दो, बट एटलीस्ट जितने भी 2-2 है मैंने उन सबको डिवाइड कर दिया 1-1-1 में और रैट 7 को पिला दिया। तो अभी तक हमने कितने रैट इंट्रोड्यूस करे हैं, हमने कितने रैट इंट्रोड्यूस कर दिए थे, 1 जो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इस 50 को पिलाया, रैट 2, रैट 3, रैट 4, रैट 5, रैट 6, रैट 7, और हमने इस रैट को हर 100 में से 50 तो पिलाई है, मतलब एटलीस्ट ये 1-1-1-1 जितने भी सर्कल डिवाइड होते हैं वो पिलाए हैं, इसको टोटल लाइक एटलीस्ट मतलब यहां पर एक सर्कल सर्कल वाले पिलाए हैं, यहां पर जैसे रैट 5 को ये जितने भी है 1 ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप पिलाया है। सर आपने इतना सब क्यों किया, ये क्या है, आप 7 रैट्स में। अब क्या होगा, मैंने इन सबको ये पिला दिया है, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर आई ऑब्जर्व द डेथ्स ऑफ रैट, अंडरस्टैंड इट, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कौन सा रैट मरा है, कौन सा रैट जिंदा है। अब इंटरेस्टिंग यहां पे कैच शुरू होता है, आई होप आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि हमने हर सब ग्रुप में से एक सब ग्रुप पिलाया, एक सब ग्रुप छोड़ दिया, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया, ये पिला दिया, ये छोड़ दिया। लेट्स से रैट 1 डाइज, रैट 1 अगर डेड है, अगर रैट 1 डेड है तो मैं ये वाला पूरा ग्रुप इग्नोर कर दूंगा, कौन सा, ये जो मैंने 50 था, इसमें भी कोई पॉइजन्ड बॉटल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। लेट्स से रैट 1 डाइड, तो ये जो 50 है, क्योंकि इसने इसमें से तो कुछ पिया नहीं था, तो ये जितनी भी बॉटल से सब अच्छी है, इसमें से पिया था तो पक्का पॉइजन्ड इस 50 में होगा, तो ये वाला पार्ट मैं पूरा हटा दूंगा, सिर्फ इस 50 पे फोकस करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। अब क्या होता है, मेरे पास ये 50 और मैं हाफ बोर्ड को पूरा पूरा ध्यान से हटा देता हूं, मेरे पास रैट 2 है, इवन दो रैट 2 ने ये 25 पिया था पर ये नहीं पिया था, ये नहीं पिया था पर ये पिया था, लेट्स से ही डजंट डाई,
अगर वो डेड होता है तो मैं ये 25 पर फोकस करता, बट अगर ही डजंट डाय मैं ये 25 पर फोकस करता, ठीक है। तो लेट्स से ही इज डेड, ही इजंट, इफ ही इजंट डेड देन फॉर श्योर उसने ये पिया था और इसके अंदर पॉइजन नहीं है, तो मतलब ये वाले में पॉइजन होगा। यू गेटिंग इट? कितना इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। इसके अंदर रैट, इसके अंदर पॉइजन नहीं होगा, इसके अंदर पॉइजन नहीं होगा क्योंकि इसने पिया और ये नहीं मरा, तो इसके अंदर पॉइजन है। अब मैंने ये वाला पूरा का पूरा, इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया फ्रेम से और सिर्फ इन 25 पे फोकस किया। फिर रैट थ्री को मैंने हर एक सब ग्रुप से पिलाया था ना, तो रैट थ्री ने ये 7 और ये 6 पिया था, तो लेट्स से रैट, ये हमने यहां पे रैट थ्री, ओके ये वाला ग्रुप रह गया है ना, तो हाँ यहां पर 13, 12, अब इस 13, 12 पिया था और इधर भी पिया था, इसमें से भी एक पिया था, इसमें से भी एक पिया था। नाउ यू विल गेट इट, व्हाई डिड आई डू दैट? ओके, तो लेट्स से रैट थ्री डाइज, अगर रैट थ्री डेड होता है तो ये सर्कल वाला पिलाया था, तो इन 13 पे फोकस करूंगा, तो हर स्टेप पर मैं आधे एलिमिनेट करते जाता हूं और आधे बचा लेता हूं, तो रैट 7 तक मुझे पता चल जाएगा कौन सा नंबर ऑफ पॉइजन बॉटल है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा सर ये क्या किया आपने, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि लेट्स से रैट 1 डेड नहीं होता, लेट्स से रैट 1 डजंट डाई, ओके लेट्स से रैट 1 डजंट डाई, रैट 1 इज अलाइव, तो मैं ये 50 को पूरा का पूरा इग्नोर कर देता, ये 50 इग्नोर कर देता, रैट 1 इज अलाइव, ही इज इन डेड, अगर वो जिंदा है और उसने ये 50 का सारा टेस्ट किया था, ये सारी 50 उसने टेस्ट किया था, तो इसमें रैट, इसमें पॉइजन नहीं है, तो इन 50 में से किसी में पॉइजन है, किसी एक बॉटल में। अब लेट्स से रैट 2 को मैंने इसीलिए रैट 2 को हर सब ग्रुप से पिलाया था, अगर यहां पर अगर ये वाले एलिमिनेट करते हैं तो यहां पर मैंने रैट 2 को एक तो पिलाया ही था, तो लेट्स से रैट 2 इज डेड, या तो रैट 2 मरेगा या तो नहीं मरेगा। अगर रैट 2 इज डेड देन मैं ये 50 पे फोकस करूंगा, इफ इट इज इन डेड मैं इसको पूरा इग्नोर करके सिर्फ इस 25 पर फोकस करूंगा, इस 50 में से लेट्स से ही डाइज, इफ ही डाइज देन आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस 25 एंड कंप्लीट 75 गोज आउट ऑफ द पिक्चर, एंड इफ ही डजंट डाई देन आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन दिस 25। और हर सब ग्रुप पर अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग, तो मैं हर रैट की डेथ से, हर रैट की डेथ से कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स एलिमिनेट कर पाता हूं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बॉटल में पॉइजन है। तो टू कंक्लूड, लेट्स से मेरे पास टोटल 100 बॉटल्स थी, ओके टोटल 100 बॉटल्स थी, ओके मैंने इसे 50 को पिलाया और 50 को नहीं पिलाया है ना, तो लेट्स से रैट जो भी जिस, अगर मैंने यहां पे रैट 1 इंट्रोड्यूस किया था राइट, तो ये मर गया, अगर वो मर जाता है जो भी उसने पिया होगा तो इस पे फोकस करूंगा, तो यहां पे 50 पूरी एलिमिनेट हो जाती है, रैट 2 की वजह से हमें पता चल जाता है किसमें होगा, फिर 25 में बात आती है, फिर 25 से 13 और 12 में मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूं, याद रखना हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेना चाहिए। अब 13 से मैं 7 पे आ जाता हूं, अब मुझे पता चल जाएगा इन 7 में से किसी एक में, वहां पर मैं कौन से, अब देखते जाइए ना, यहां पे रैट 2 है, यहां पे रैट 3 को पिलाया था इनमें से हर एक सब ग्रुप में से, यहां पे रैट 4 को पिलाया था, फिर 7 से 4 को, 4 से 2 को एंड 2 से 1 को, तो रैट 4, रैट 5, रैट 6 एंड रैट 7, एंड दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ रैट्स आई नीड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टू फाइंड आउट विच इज द पॉइजन बॉटल, क्योंकि मैं इस पॉइंट तक, अगर लेट्स से रैट 7 मर जाता है, क्योंकि मैं यहां तक एलिमिनेट करते जाता हूं ना, 100 अगर ये जिंदा है तो 50 है 50 एलिमिनेट, 25 है 25 एलिमिनेट, उस सब ग्रुप, सब ग्रुप से। होप यू गॉट इट। ओके द एम ऑफ द क्वेश्चन वॉज टू डेवलप दैट लॉजिकल थॉट प्रोसेस, दैट इवन द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वॉज टफ बिकॉज इट हैज अ गुड थॉट प्रोसेस। इसका एक शायद आपको शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, बट लॉजिकल एट्रीब्यूट इसका यही था कि हम हर जगह पर 50 एलिमिनेट करते आते 50 बचा लेते हैं। ओके होप यू गॉट द आंसर। सो मिनिमम नंबर ऑफ रैट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पॉइजन बॉटल आफ्टर एग्जैक्टली 1 आवर इज 7। ओके थैंक यू सो मच, होप यू लाइक डेट, एंड That's it from my side. And if you like the lecture, then do like it and comment something, whatever you like to. Okay, thank you.